मैं आपको एक क्लास 10 का सम दिखाने जा रहा हूँ, जो मैंने लिया है सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 से लिया है। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए कैसे करते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रूफ। तो एक लंबा वाला रूफ है जो ए टू बी है, देखिए ए टू सी एक रूफ है बांधा हुआ है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, ये वाला एक पोल है, ए भी एक पोल है, ठीक है, टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें इसका हाइट निकालना है। इफ द एंगल मेड बाई द रूफ विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये देखिए 30 डिग्री एंगल बना हुआ है, ये 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब देखिए इसको करना कैसे है। सबसे पहले आप देखिए क्या है पोल, पोल जो है यहाँ पर ए बी फिगर में दिखाई दे रहा है, तो ये ए बी क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। फिर देखिए रूफ के बारे में बोला गया है, 20 मीटर लॉन्ग रूफ है, रूफ हो गया ए सी जो हाइपोटेनस का काम कर रहा है, यहाँ पर जो हाइपोटेनस है। तीसरा है बेस, बेस क्या है, बेस दिया गया है बी सी, एंगल दिया गया है ए सी बी इक्वल्स टू कलम मार लेंगे थीटा प्लस टू 30 डिग्री। तो हम कैसे करेंगे, देखें ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस बी है, और ये हो गया हाइपोटेनस। हमारे पास में दिया क्या है, किसका किसका वैल्यू दिया गया है, हाइपोटेनस दिया गया है 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर हो गया। तो अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर, ये पोर्शन निकालना है, कभी लिखेंगे सम पीपल हैव, देखिए सम पीपल हैव, तो यहाँ पर सम पीपल हैव यूज करने से आ जाता है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। सम मतलब होता है साइन थीटा, पीपल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, फिर इसका मतलब होता है हाइपोटेनस। अब हम लिखेंगे क्या, नाउ इस्तेमाल करिए साइन थीटा, सम पीपल हैव ये हाइपोटेनस होगा, तो पी बाय एच, एच का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे पी बाय एच इक्वल टू 20 दिया गया, ठीक है। तो साइन 30 हाफ पी बाय 20 क्रॉस करिए, पी इक्वल्स टू बन जाएगा 20/2 10 हो गया, तो पी का वैल्यू निकल गया 10 मीटर्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे therefore
height of the pole that is AB P equals to 10 meter. तो इस तरीके से ऐसा सम को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा।